सिद्धार्थ पिठानी लगातार अपना बयान बदल रहा है। सिद्धार्थ पिठानी लगातार शक के घेरे में नजर आ रहा है। सिद्धार्थ पिठानी के बार बार बदलते बयानों पर अब आया है शेखर सुमन को गुस्सा। दिया है उन्होंने ये रिएक्शन। शेखर सुमन शुरुआत से ही सुशांत केस में अपनी आवाज उठाते रहे हैं। जब से सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस को अपने हाथ में लिया है, तब से बहुत सारे खुलासे होते जा रहे हैं। और इसी बीच जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, वो लगातार अपना बचाव करने में जुटे हुए हैं। बीते कई दिनों से सीबीआई सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करने में जुटी हुई है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो लगातार अपने स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। अब शेखर सुमन ने सिद्धार्थ पिठानी को थर्ड डिग्री देने की बात कही है और कहा है कि सिद्धार्थ अभी तक पिटा नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहा है। शेखर सुमन ने अपने ट्वीट में लिखा है, पिठानी लगातार अपना बयान बदल रहा है क्योंकि वो अभी तक ठीक से पिटा नहीं है। कस्टोडियस इंट्रोगेशन सबसे जरूरी है, नहीं तो शिंदे के कहने पर ये सब सेंधी लगाते जाएंगे। इसके अलावा शेखर सुमन ने सामने आ रहे कई तरह के बयानबाजी के बीच सुशांत के फैंस की हिम्मत की बहुत तारीफ की है। शेखर सुमन का कहना है, कितने कंफ्यूजन के बीच भी जिस तरह से सभी ने न्याय के लिए आवाज ऊंची रखी है, वो काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं शेखर के ये ट्वीट्स। आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है। कुल मिलाकर इतना साफ हो चुका है कि जल्द ही रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों के पीछे हो सकती हैं। रिया पर सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि वो उनके बेटे को जहर देती थी। रिया चक्रवर्ती के लीक व्हाट्सएप चैट से साफ हुआ है कि वो सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी।